शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Coordinates 103.00825 Northwest की pictures हो गई हैं. Turning on next coordinates. Over. Eagle One aggressor control. Coordinates confirm. तुम दुश्मन की air space तक पहुंच चुके हो. Clear proceed. Next coordinates. Piper warning. Piper warning. 4.5 Northwest. Taking evasive action. Over. Piper two. Piper two. Hell. Mayday. Mayday. I'm hit. Eagle One, check engine parameters. Aggressor control losing height. Eagle One, eject. Sir, मुझे लगता है कि मेरे कैमरे में कुछ important pictures हैं. Height लेके guiding करने की कोशिश करता हूँ. Sit, don't be silly. ज़्यादा height lose करने के बाद तुम eject नहीं कर पाओ. कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा सर कि कितना मुश्किल है. See you on the ground. Base to Eagle One, तुम control lose कर रहे हो. Eject, eject. Sir, Eagle One radar पे नहीं है. Eagle One, aggressor. Can you hear me? Can you hear me? Eagle One, can you hear me? Sir, वो देखिए. क्या है पानी? अरे सैमी बॉय यार, तुम बोरी पीटते रहोगे या आकर हमारे आज के हीरो को कंग्रेचुलेट भी करोगे? बाहर हंगामा हो रहा है, जानते हो साइडी ने जय ची जय मिसाइल से हिट हुए एयरक्राफ्ट को उतार लाया और हीरो बन गया। पहले जाके पूछ मिसाइल लगने की होती बेटा। मेरी जगह उस प्लेन में अगर तू होता ना तो प्लेन समेत तेरी हड्डियों का ढांचा बॉर्डर के उस पर खेतों में पड़ा होता। मिसाइल क्यों लगने दी? Take a walk. Come on, guys. You take a walk. Come on, guys. Come on, grow up. तुम दोनों का पिछले जन्म का कोई बैर है क्या? हाँ? हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। जा भाई, जा, जा, जा। बोरी पीटो और तुम
मैंने कह दिया था डीब्रीफिंग के बाद तुम घर आ रहे हो, आंटी चिंता कर रही होगी। जा भाई जा जा, और तुम भी जाओ जाओ, लगे रहो। इसीलिए नहीं चाहती थी कि आपकी तरह एयरफोर्स ज्वाइन करे। आधी जिंदगी जहाज उड़ाकर बाप ने कलेजा गले में अटकाई रखा, बाकी की आधी जिंदगी बेटा वही करेगा। किसी दिन मुझे हार्ट अटैक हो गया ना, लेकिन मेरी फिक्र किसे है। मैं देखता। हेलो, हाय डार्लिंग। ओ हाय स्वीट। घर पर छुट्टी मना रहे हो हमारे बिना? नहीं अभी सॉरी से। मिलने का प्रोग्राम है कि नहीं? हाँ मिलते हैं ना। पक्का? बिल्कुल। अच्छा कहो ना, आई लव यू। अभी नहीं। प्लीज कहो ना। नहीं कह सकता। प्लीज कहो ना, दिस इज नॉट फेयर। अभी नहीं कह सकता। प्लीज कहो ना। समझा करो, अभी नहीं कह सकता। बट यू डू लव मी नो? एब्सोल्युटली। ओके ओके बाय। क्या चलिए? नहीं नहीं, जो कोई भी थी बेचारी कुछ अच्छा ही कहलवाना चाह रही होगी, कह देते। वैसे गर्लफ्रेंड नंबर कौन सी थी? डैड खुले दिल वाले दोस्तों का हिसाब नहीं रखते। अच्छा बेटा, तुमने तो दिल की जगह कंपनी बाग पाया है, पता नहीं किस किस को टहला रहे हो। बाज आ जाओ, कहीं तुम्हारी माँ ने खाता खोल लिया ना तो तुम तो पिटोगे ही। बाप ये कहकर पिटेगा कि लड़के को बिगाड़ा आपने। एनीवे, ये फोटोग्राफ जो तुम बचा कर लाए हो ये कितने क्रूशियल हैं? एनी गैसेस? पता नहीं डैड, पर मुझे लगता है इनमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा। वैसे भी दुश्मन की एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, बाकी तो टॉप ब्रास ही बताएगा। अरे सिद्धार्थ ने कमाल किया, उसके जहाज की हालत देखकर ग्राउंड क्रू हैरान था कि वो वापस कैसे आ गया। ओह ही इज अ ग्रेट पायलट सर, बड़ा तेज लड़का है, मुझे उसकी इंस्टिंक्ट्स पर पूरा पूरा भरोसा है। उसकी लाई हुई फोटोग्राफ्स डेवलप हो जाएं तो हमें कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा, आई एम एब्सोल्युटली श्योर। बॉर्डर पर एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, अगर इन तस्वीरों से कोई सबूत मिल गया तो हमें जंग की तैयारी करने की खुली छूट मिल जाएगी। कश्मीर की हवा में गर्मी बढ़ गई है सर, इस बार मुकाबला आर या पार का होगा। मेरी हेडक्वार्टर से बात हुई थी, इन फोटोग्राफ्स को एनालाइज करने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम दिल्ली से आ रही है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। राइट सर। अभी अभी श्रीनगर से खबर मिली है कि उनका एक पायलट हमारी फ्रंटलाइन की जो तस्वीरें खींच कर ले गया है उसी के बिना पर वो लोग आगे की तैयारी करेंगे। लेकिन जो वो नहीं जानते उसकी तैयारी वो कैसे करेंगे? जनाब हमारा सबसे काबिल एजेंट फतेह अफगानी सरहद के उस पार पहुंच चुका है। Thank you.
वेलकम बैक बारिक। वेलकम पाती हाँ। क्या हाल है दोस्त? आपका हाथ पढ़ने से पहले तो ठीक था। मैडम आप खाती क्या है? ओह शट अप। ये लड़कियों की तरह बिहेव करना बंद कर दो। वैसे दोपहर को स्क्वाश में मुझसे दो चार गेम हारने का मूड है ना? फॉरगेट। सबको 1500 आवर्स पर ब्रीफिंग है। आराम करने के लिए वक्त बहुत कम मिलेगा। चले? चले मतलब? गिव मी द कीज, आई एम ड्राइविंग। सबसे पहले मैं फ्लाइंग ऑफिसर सिद्धार्थ सिंह को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो अपनी जान पर खेल कर ये तस्वीरें बचा लाए। थैंक यू सर। फेलो ऑफिसर्स, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि जंग का माहौल गहराता जा रहा है। मैं आप लोगों को फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि कश्मीर के आसमान की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए हमारा एयरबेस दुश्मन के सबसे पहले निशानों में से एक होगा। यह है एयरबेस का ताजा नक्शा। एंट्री, क्वार्टर गार्ड, रनवे, कंट्रोल रूम और रडार। जूर जनाब, तुम जल्द से जल्द मेरे यहाँ दाखिल होने का इंतजाम करोगे? जी बेहतर। ताहिर, असलहा निकल चुका है भाईजान, और इंशाल्लाह जुम्मे तक हमारे हाथ में होगा। चार्ली उस एक्सरसाइज में मैंने पहली बार कोबरा मनुवर ट्राई किया। गैरी मेरे पीछे था, मैं सीधा ऊपर गया, थ्रॉटल किल किया और गैरी मेरे आगे, और पीछे से मैंने मिसाइल लॉक कर दी। बेचारा गैरी शिकारी बनते बनते खुद शिकार बन गया। मिराज में उस स्पीड पर कोबरा मनूवर, पूरा फ्रेम हिल गया होगा यार। हाँ वो हिल गया था, लेकिन मैंने इतनी देर से कर क्या रहा है? अपनी गर्लफ्रेंड्स की एल्बम ठीक कर रहा है, छोड़ना उसे, आगे बोल। हे सैमी। वाओ। व्हाट? मत देख मत देख, आज ही बेस पे आया है। क्यों मुसीबत को इनविटेशन कार्ड भेज रहे हैं? पूछी यार, इंट्रो तो करवाओ। सुन रहे हो, एनजी से इंट्रो चाहिए इसे। क्या पिया जा रहा है बाड़ी? संभियो, मैं ऑफर द लेडी अ ड्रिंक। मर्दों वाली कोई हार्ड ड्रिंक ऑफर करने के गुस्ताखे नहीं करूंगा। आप जूस वूस तो पी सकती है ना? मर गया। ओ, आप मर्दों वाली कौन सी हार्ड ड्रिंक पीते हैं, जान सकती हूँ? मैं टकीला पीता हूँ। तो आप वहाँ क्या कर रहे हैं? इधर आइए। हाय, फ्लाइंग ऑफिसर कुणाल तिवारी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अंजना रावत। नाइस नेम। प्लीज सिट। थैंक्स। रमेश टकीला। जान दें जी। जो पहले पीना बंद करेगा वो सारी ड्रिंक्स के लिए पे करेगा। आई लाइक इट। श्योर। चीयर्स। हो गई बत्ती गुल, चल भाई कंधा देने का टाइम है। मर्दों वाली हार्ड ड्रिंक, भंजा लड़ाएगा? रमेश, बिल साहब के अकाउंट में। इसको संभालो यार, मैं मैम को घर छोड़ के आता हूँ। छोड़कर आता मतलब? तुम्हें क्या लगता है मुझे जल गई है? बिल्कुल नहीं। उठा उठा, कम ऑन, गेट होल्ड योरसेल्फ। बस हो गया, घर चल। ये सब करने की क्या जरूरत? बड़ा भारी है यार ये। कुणाल, अपना विशाल होता ना कुणाल, तो इसके वजन की एक कविता सुना देता। अरे हाँ, आ कब रहा है अपने शायर दिन?
आपको ये शिकायत है ना कि शादी के फौरन बाद काम की वजह से हनीमून का वक्त नहीं मिलेगा, तो बस बंदा आपको ऐसी जगह पे ले आया है जहाँ काम हो या ना हो हनीमून खत्म नहीं होगा। गलत बात, हमने कब शिकायत की आपसे? हम तो आपसे कयामत तक शिकायत ना करें। ऐ वाजे नादा करते हो, तुम्हें कयामत का चर्चा, यहाँ रोज निगाहें मिलती हैं, यहाँ रोज कयामत होती। भाई वाह, हे मजा आ गया। कश्मीर की हवा में शायरी की खुशबू आई, मैं समझ गया तू आ गया। चाली सब ठीक है? एकदम फिट। हाय नुपुर, हाय, यू डूइंग? वेलकम वेलकम वेलकम। भाई नुपुर, जब से तुमने होश संभाला तुम इसे भी जानती और मुझे भी जानती, फिर तुमने इस डफर को क्यों चुना? अब क्या कर सकते हैं, जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने हेड एंड टेल्स कर लिया, अब तुम टॉस हार गए तो मैं क्या कर सकती हूँ। टॉस हार ही गया। हाँ चलना भी बहुत हो गया, सामान उठाओ और चल। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। फ्लाइट लेफ्टिनेंट विशाल देव। हाँ जी। प्लीज आइए हमारे साथ, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या तमाशा है? There must be a misunderstanding. जी नहीं, इनके खिलाफ हमारे पास पक्के सबूत हैं। What are the charges? क्या जुर्म है? Treason, गद्दारी, एयरफोर्स के सीक्रेट्स को दुश्मनों को बेचने की साजिश। What? हाँ, ये सच है। मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था, दिमाग खराब हो गया था मेरा। पहली बार तो तकलीफ हुई, फिर रकम बढ़ती गई और लालच भी, बस गलती हो गई यार। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, सारी जिंदगी अपने से ज्यादा तुझ पर भरोसा करता था मैं, और ये इसकी क्या गलती थी? अब ये क्या करे वो भी बता दो ना इसे। नुपुर, अपने साथ साथ मैंने तुम्हें भी धोखा दिया, मैं जानता। Nupur, get a hold of yourself, please. Please. तुम इस तरह से टूट जाओगी तो जिंदगी से मुकाबला कैसे करोगी? क्या कर सकती हूँ चार्ली, तुम जानते हो ना, घर वालों से झगड़ा करके विशाल से शादी की थी। अब क्या करूं, किसके पास जाऊं, किससे मिलूं? नुपुर, जो भी हो तुम एफओस फैमिली की मेंबर हो। आज शाम को हमने तुम्हारे और विशाल के लिए मेस में पार्टी रखी थी, लोग तो जमा होंगे ही, तुम्हें एओसी से मिलना चाहिए, ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। हम सब यहाँ आपका एयरफोर्स फैमिली में स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए थे, जो कुछ हुआ इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड। हम सब आपके साथ हैं, इफ यू नीड एनीथिंग प्लीज। तो विशाल का क्या होगा? सावंत, देखिए अब ट्रीजन के केसेस में डेथ पेनल्टी, फायरिंग स्क्वाड, लेकिन नुपुर अपने आप को संभालो, इधर आओ, यहाँ बैठो, टेक इट इजी नाउ, बैठो, जस्ट रिलैक्स। कम ऑन नुपुर, बी ब्रेव। नुपुर, मेरे ख्याल से तुम्हें
विशाल को तलाक दे देना चाहिए। एक गद्दार की विधवा कहलाने से तो अच्छा है ना। और फिर इन एनी केस हम दोनों शादी कर ही लेंगे। What? यार दिस इज नॉट फेयर यार। बीच में हंसना अलाउड नहीं था क्या? थोड़ी देर और रुक नहीं सकते थे? सॉरी मैम, सर्विस का एक ट्रेडिशन है कि नई ब्राइड के साथ प्रैंक यानी मजाक किया जाता है, और आपके केस में थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया। आपका मतलब? रोने वाले, तुझे रोने का सलीका भी नहीं, अश्क पीने के लिए हैं या बहाने के लिए? वाह अनुपुर, ये है फ्लाइट लेफ्टिनेंट सेना मैम, एंड फ्लाइंग ऑफिसर कुलदीप मैम। पार्ट टाइम एयरफोर्स पुलिस की यूनिफॉर्म भी पहन लेते हैं। सॉरी मैम। सॉरी मैम। चार्ली, आई विल किल यू। कम ऑन, मजाक ही तो था। इट्स ऑल इन गुड फन। यू ओके? ओके ओके ओके, चीयर हर अप, इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी। आई विल सर। सॉरी मैम। बॉयज, अलाउ मी टू लीव, एंजॉय योरसेल्व्स। सर। थैंक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। ऐसे नहीं भाई, अच्छे खासे कवि हो, इनका मूड ठीक करने के लिए कुछ सुनाओ, वो भी गा के। साथ मेरे नहीं, मेरा दिल फिदा है तुझ पे, मेरी जान फिदा है तुझ पे, मेरा दिल फिदा है तुझ पे, मेरी जान फिदा है तुझ पे, मेरा प्यार मेरी चाहत मेरी आशिकी मोहब्बत, ये जिंदगी क्या जिंदगी कर तू साथ मेरे नहीं, मेरा दिल फिदा है तुझ पे, मेरी जान फिदा है तुझ पे, मेरा दिल फिदा है तुझ पे, मैं तुझे सिर्फ लड़का देखने को कह रहा हूँ, उसके साथ मंडप में बैठा थोड़ी रहा हूँ। पर क्यों देखो लड़का, कोई जबरदस्ती है? अरे भाई, आज तक तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती हुई है क्या? डैड, आपको पता है ना, आई डोंट लाइक पायलट्स,
मुझे किसी पायलट वायलट से शादी नहीं करनी। अरे बेटा मत करो, फैमिली के साथ पुराने ताल्लुकात हैं, एक बार मिल लेने में क्या हर्ज है। जब तक आप एयरफोर्स में रहे मॉम को कितनी प्रॉब्लम हुई थी ये मैं जानती हूँ। एक ट्रांसफर से दूसरा, दूसरे से तीसरा। नो थैंक्स, मुझे बंजारों की जिंदगी नहीं जीनी। ओके फाइन, देखो आज रात को वो डिनर पर आ रहा है, एक कमिटमेंट समझ कर पूरा कर दो। और समीर, हाउ इज डैड? ही इज फाइन सर, आज ही उनका फोन आया था कि हाँ मैं और वो इकट्ठा फ्लाई किया करते थे। या दोस वर द डेज। क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम्स? मुझे ये फ्लाइंग की कहानियाँ बहुत बोर करती हैं। ओह रियली? रियली? पापा आपको शायद ये ना बताए लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मुझे ये फ्लाइंग और पायलट्स में कुछ खास दिलचस्पी नहीं है। ओह कम ऑन सुरभी। नो नो सर, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। हर इंसान को अपने अपनी पसंद और नापसंद का हक है। एंड बिटवीन यू एंड मी, मुझे भी बेकार फ्लाइंग की कहानियों का शौक नहीं। अगर मैं आपसे वादा करूं कि फ्लाइंग और एयरक्राफ्ट के बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे तो क्या आप मेरी कंपनी थोड़ा और वक्त झेल पाएंगे? डील डन। दत तेरे की, कहते हैं इश्क में मार खाओ तो पत्तों में लॉटरी लगती है, अपनी तो साली दोनों दुकानें बंद है यार। ओए देख देख जरा, लगता है सेवों की खेप आ रही है। क्या भाई इसमें क्या है? साबु कुछ नहीं, सेब है, मीठे मीठे हैं। चल आ जा, जरा दिखा। चल मैं दिखाता हूँ। चल अच्छे भले पत्ते खेल रहे थे ये भी। खोलो खोलो कहाँ से? चल खोल के दिखा रहे। खोल के दिखाओ, खोलो खोलो। साहब माल खराब हो जाएगा साहब। अरे खोल ना, देखो साहब सेब ही है साहब। हाँ सेब ही तो है लेकिन देखे साहब मीठे है कि नहीं, ला जरा देखूं। अरे यार ये तो वाकई बहुत मीठा है। अरे मीठे हैं तो एक पेटी निकाल ले, शाम को ससुराल वाले आ रहे हैं। चल जल्दी ये पेटी नीचे उतार। क्या साहब? साहब देखो हम बहुत गरीब आदमी हैं साहब, ऐसा मत करो साहब। इसीलिए तो एक मांग रहा हूँ, दस नहीं मांगी तेरे से। चल नीचे उतार साहब, खाने के लिए छोड़ दो साहब। चुप, बोल दो नहीं कोई भी। ये और कुछ नहीं जानता सर। हाँ इतना पता चला है कि आरडीएक्स और दूसरा असलहा फौज की किसी बिल्डिंग पर हमला करने के लिए लाया गया है, लेकिन इस वक्त श्रीनगर में वो कहां और किसके पास है कुछ पता नहीं। आर्मी और एयरफोर्स की तमाम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अलर्ट कर दो, ये साले कब कहां किसका निशाना बनाएंगे पता नहीं। सिक्योरिटी जितनी टाइट हो कम है सर। एयरबेस के पैरामीटर पर गश्त बढ़ा दी गई है, सिक्योरिटी के बंदोबस्त और भी कड़े कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी का जिम्मा क्योंकि स्क्वाड्रन लीडर सावंत का है। सर I have given him a free hand. Savan? Sir, operation के requirements देखते हुए मैंने flying officer कुणाल तिवारी के साथ duties बांट ली हैं। Sir, security का वर double हो गया है लेकिन हमारी flying duties पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Good. Carry on. सैमी बॉय, ब्रेकफास्ट गले में आ गया क्या? ब्रेकफास्ट? लंच के लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। What the hell guys? Stop this off. डडी है। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया क्या? जीपोस के झटके से बेहोश तो नहीं हो गए सैमी बॉय? झटका इसे कहते हैं बेटा सेठ। Follow me.
bloody idiots. Land. Land now, I say. बर्दाश्त नहीं होती नंबर वन से मुकाबला पायलट बने फिरते हैं नंबर वन माय फुट जिंदगी में साइकिल की रेस कभी जीती नहीं जवान चलाने में नंबर वन है आप क्या क्या बोलो चल रहे हैं गाइस ग्रो अप तुम लोग आपस में बच्चों की तरह झगड़ा करना बंद कब करोगे इस जन्म में तो नहीं और बच्चों की तरह मतलब बच्चे तो हैं कम ऑन भाई ये गलत है बाय बाय देखो गलत और सही का तुम लोग फैसला करो मैं तो चला अपने पास फालतू का टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए ओके सी ऑल अच्छा तो हमारे साथ बिताया हुआ टाइम वेस्ट ऑफ टाइम हो गया हां सारा ध्यान कहां है सब पता है हमको और सुनो भाभी को मेरी तरह से घटिया सी कविता सुना देना समझे हां सुना दूंगा और आपकी सवारी किधर जा रही है जम्मू वीआईपी पिकअप है अच्छा कल तो मुझे वो टैक्टिकल वॉरफेयर की किताब देने वाले थे कहां गायब हो गए थे कुछ नहीं यार ऐसे कुछ काम था अरे ऐसा क्या काम था कि तुम बिना बताए गायब हो गए खास कुछ नहीं सडनली फोन आ गया था तो जाना पड़ा डैड ने रिश्ते की बात चलाई थी तो वो लड़के से मिलने उसके घर जाना पड़ा यहीं श्रीनगर में डैड के पुराने दोस्त हैं तो डिनर वगैरह की फॉर्मेलिटी थी एनीवे आज देता हूं तुम्हारी किताब इट्स ओके आई एम गेटिंग लेट इसे क्या हो गया उसकी फ्लाइट है तुम्हारा पेपर वर्क है और मेरी छुट्टी है इस सुहाने मौसम का फायदा उठाते हुए तुम कागज पे कलम घिसो और मैं श्रीनगर का चक्कर लगा के आता हूं ओके आप रखिए देखिए प्लीज डोंट एम्बैरस मी आप रख लीजिए मैं एक और मंगा लेता हूं अंकल जी साहब अंकल ऐसा एक और होगा ऐसा कोई और पीस नहीं है साहब नहीं है यो कीप इट फिर मुझे शर्मिंदा कर रही है मुझे पूरा यकीन है कि मुझसे ज्यादा आप पर अच्छा लगेगा थैंक्स बट नो थैंक्स मैं किसी से फेवर्स नहीं लेती अरे इसमें फेवर की क्या बात है लेकिन आपको फिर भी ऐसा लगता है तो आप ये मफलर रखने की खुशी में मेरे साथ एक कप कॉफी पी सकती हैं हिसाब बराबर नो फेवर्स ओके कॉफी कॉफी वेरी नाइस जिंदगी भी एकदम कॉफी की तरह है ना स्वाद ना आए तो कड़वी और आदत पड़ जाए तो इससे कमाल की चीज और कोई है ही नहीं इंटरेस्टिंग फिलॉसफी आपकी कॉफी कड़वी है या मीठी आपकी कंपनी और इस माहौल में कॉफी का कड़वा होना नामुमकिन है बाय द वे मैं आपका नाम नहीं जानना चाहती जी पहले आप अपना नाम बताएंगे फिर मेरा जानना चाहेंगे फिर नंबर फिर पता सॉरी डील सिर्फ एक कप कॉफी की थी जो हम पी चुके आप किस्मत में बिलीव करती हैं डेस्टिनी मेबी मेरा मानना है कि हमारा मिलना लिखा है भगवान किस्मत जो चाहे कह लें हम सबको किसी ना किसी मकसद से मिलाते हैं और मेरा और आपके मिलने का मकसद सिर्फ एक कप कॉफी का प्याला हो कुछ यकीन सा नहीं होता वो आपकी प्रॉब्लम है सब अलाउ याद है नो फेवर्स ये मेरे कॉफी के पैसे बाय बाय सी यू एक्सक्यूज मी नंबर नहीं तो कम से कम नाम तो बताते जाइए अगर आपकी सो कॉल डेस्टिनी ने दोबारा मिलवाया तो नाम भी पूछ लीजिएगा और नंबर भी हू ला ला भगवान यार तुम भी बहुत जाती करते हो कभी कभी ऐसा नहीं चलेगा हां जोर पकड़ा गया बुरा हुआ
یہ اسلحہ بنا کسی شور شرابے کے ہم تک پہنچ جاتا تو اچھا ہوتا، لیکن ابھی کچھ بگڑا نہیں۔ باقی سامان کی خرید فروخت کل سے شروع ہو جائے گی، اور آپ کا بیس میں پہنچنے کا انتظام ہو چکا ہے۔ شاباش۔ تمہارے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا، سوچا تھوڑا جھگڑا بھی ہو جائے۔ دیکھو باس، ایسے نہیں چلے گا۔ زندگی میں پہلی بار ایک ایسی لڑکی سے ملایا جسے دیکھ کر فلرٹ کرنے میں محنت کرنی پڑی، اور ہوا کیا، نہ نام نہ نمبر نہ پتا، چیٹنگ ہے باس۔ آپ؟ یو اگین؟ میرا مطلب آپ؟ آئی ڈونٹ بلیو دس۔ سوری سر، آپ یہاں کیوں؟ میں ہر سوموار کو یہاں آتی ہوں، مگر آپ؟ نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ آپ مندر ٹائپ لگتی نہیں۔ مندر ٹائپ؟ وہ کیسا ہوتا ہے؟ آپ کی جیسا؟ بھگوان یار، کہا سنا معاف کرنا۔ ہاں وہ کیا ہے نا کہ آپ کے جتنا ایکسپیرینس نہیں ہے نا مجھے۔ کیا کہا آپ نے؟ جی وہ کچھ نہیں، وہ کیا ہے کہ بھگوان کے ساتھ میرے تعلقات ذرا دوستانہ ہیں، ہمارا آپس میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، اسی لیے آتے جاتے ہیں ہاں چلا آتا ہوں، انہیں بھی اچھا لگتا ہے۔ میں ہی آپ کی بات آئی تھی، یعنی آپ میرا پیچھا تو نہیں کر رہے ہیں، تو یہ کمال کا اتفاق ہوا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس اتفاق کو ڈیسٹنی کہہ سکتا ہوں۔ آپ اور آپ کی ڈیسٹنی، نہ جانے کہاں لے کے جائے گی میں، لیکن فی الحال تو دوبارہ آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، شاید اس لیے کہ آپ کو آپ کی بات یاد دلا دوں کہ اگر سربیدھر نائس نے سدھارتھ سنگھ 2375 ون سیکنڈ 2375 313 میں جب یہاں آیا تھا تو تیز دھوپ تھی، آپ کے آتے ہی موسم سہانا ہو گیا ہے۔ اینی وے تھینکس۔ ویلکم کہنا چاہیے یا نہیں پتا نہیں، ہمارے فروٹ آرچڈز ہیں اور ایکسپورٹس بھی۔ ویسے آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں تو وہ بلڈی پائلٹس۔ جی یہ لو فلائنگ پلینز بڑی سردردی ہے، میرے ڈیڈ بھی ایئر فورس پائلٹ تھے، بٹ آئی ایم سوری مجھے یہ پلینز اور پائلٹس کچھ خاص پسند نہیں ہیں۔ انٹیلیجنس کی رپورٹ سے صاف ہے کہ پاکستان حملے کی تیاری میں ہے، اور اس کی شروعات وہ ہوائی حملے سے کرے گا۔ ہوائی حملہ شام یا رات کو ہوگا تاکہ ویزیبلٹی لمیٹڈ رہے۔ اور اس صورت میں ہم جوابی کاروائی کے لیے کتنی دیر میں تیار ہو سکتے ہیں؟ ایکس اے چیف ارجن سنگھ کے شبدوں میں، ود ان دی آور، ایک گھنٹے میں سر۔ ہیلو۔ او ہائے، سدھارتھ بول رہا ہوں۔ او ہائے، کیا حال ہے آپ کے؟ یہ آپ کے اب آپ کے بہت فارمل لگتا ہے، ہم سیدھا تو تڑک میں نہیں اتر سکتے؟ یو آر اے فنی مین۔ تو آپ کو کچھ اور ہنسانے کے لیے آج سنڈے کو ملاقات ہو سکتی ہے؟ سوری، آج تو میں باہر جا رہی ہوں، کل پرسوں کبھی۔ کر کے گئے ہم سے وہ وعدہ پانچویں دن کا، کسی سے سن لیا ہوگا کہ دنیا چار دن کی ہے۔ اسٹاپ اٹ ناؤ۔ اینی وے کل بات کرتے ہیں۔ کل کس نے دیکھا ہے، آج ہی آ جاتا ہوں ڈائریکٹ، جیسی آپ فری ہوتی ہیں مل کے بات بات کرتے ہیں۔ یو آر امپاسبل، سی یو لیٹر، بائے۔ سویٹ گرل سدھارتھ، تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم شری نگر میں رہتے کہاں ہو؟ میں کہاں رہتا ہوں، وہ ادھر ہی ایئرپورٹ میں، میرا مطلب ہے ایئرپورٹ کے پاس، چکارے میں چلے۔ آج نہیں، نیکسٹ ٹائم۔ تم نے ابھی تک مجھے اپنا فون نمبر نہیں بتایا۔ ہاں میں نے تمہیں اپنا فون نمبر نہیں بتایا، ایکچولی کیا ہے کہ ہمارے وہاں کے سارے نمبر بدل رہے ہیں، ایک آدھ دن میں نیا نمبر آ جائے گا، میں دے دوں گا۔
वो छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे फादर के बिजनेस में काफी मदद करती होगी ना? अभी तो शुरू किया है, इसी साल पढ़ाई खत्म हुई है। और लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम क्या करते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं एक वन सेकंड 15 अगस्त के बाद अचानक इसकी जरूरत खत्म हो जाती है। आते जाते किसी का पांव पड़ेगा तो तुम बहुत अच्छे इंसान हो सिद्धार्थ, बहुत सी बातों को लेकर बहुत सेंसिटिव, कभी बदलना मत, डोंट एवर चेंज। वो मुस्कुराती आंखें जो हंसना सिखा दे हंसी को, जिनकी खामोश खिलखिलाहट चुपके से दिल की तन्हाइयों में आटे भरते खुशी की, वो तुम्हारी आंखें। भाई वाह 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 भाई वाह। यार इस कमबक शायरी में अपना हाथ तंग ना होता ना तो इस गधे को तुमसे शादी कभी ना करने देता। हे इसको क्या हो गया? हेलो बेस टू ईगल वन, वापस आ जाओ। वो बाबा बहुत अच्छी थी यार। अच्छा बेटा कविता तो तूने सुनी नहीं, अब क्या अच्छी थी ये सीधे सीधे बता दे। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। समझ तो हम भी नहीं रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से कहाँ से आ रहे हो कहाँ जा रहे हो, छुट्टी वाले दिन कहाँ गुल हो जाते हो मेरे खोए खोए चांद। सिद्धू को इश्क हो गया पक्का। क्यों भाई? ऐसी कोई बात नहीं है यार, तुम लोग कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं श्रीनगर में ही। Well done, brother. This I must see. भाई यहाँ तो दर्जनों के हिसाब से आई गई, लेकिन ये खूटा तो देखना पड़ेगा जिस पर बन गया अपना हीरो। तुम लोग को मजाक सूझ रहा है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम यार। क्यों? मामला वन साइडेड है क्या? सिर्फ तुम्हें इश्क है और अभी इतना खुल के बात नहीं हुई है भाभी, उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं करता क्या हूँ। तो बता दो, कोई चोरी चकारी तो करते नहीं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अरे यार उसे पायलट ही नहीं पसंद है। What? चटकी वे दोस्त, छोड़ दे। Shut up. कब तक छिपाओगे? बताना तो पड़ेगा ना? वही तो प्रॉब्लम है। एक्चुअली उसे सर्विसेज की लाइफ ही नहीं पसंद है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि देख दोस्त, किसी भी रिश्ते की बुनियाद सच्चाई पर रखी जाती है। अब तुम उसे ज्यादा पसंद हो या तुम्हारा पेशा उसे ज्यादा नापसंद है, ये तो पता करना ही पड़ेगा ना। बाकी सच्चाई जितनी देर से खुले उतनी ज्यादा तकलीफ देती है। तू सिर्फ अपने बारे में से सब कुछ साफ साफ बताने का फैसला कर। सिद्धार्थ तुम? फ्लाइंग ऑफिसर सिद्धार्थ सिंह एट योर सर्विस मैम। आपका पायलट्स को नापसंद करना जायज़ है या नाजायज ये मैं नहीं जानता, लेकिन जैसा कि मेरे एक दोस्त ने कहा है, झूठ के पांव नहीं होते और मुझे सहारा लेके चलने की आदत नहीं है। अब सवाल यह है कि आप मेरे साथ शिकारे पे चलेंगी या मेरे मुकद्दर में किनारे पे बैठना ही लिखा है। खामोशी आशिकों की है जुबान, आंखों से हो जाती है ये बयां, यूं चुपके से प्यार हो गया, ओ जाने जा ओ जाने जा।
राहें दिल की राहें मंजिल को चलने लगी रातें मेरी रातें दिन में बदलने लगी तू ही मेरी है आशिकी तू ही मेरी दीवानगी तू ही मेरी है जिंदगी तू जाने रहने दो भाईजान एक बार आप तसल्ली कर लेते तो तसल्ली मुझे नहीं इसे करनी है गाड़ी बिल्कुल सही है भाईजान आप हम पे भरोसा कर सकते हैं मुझे तुमसे ज्यादा भरोसा अपने गुस्से पर है बरकत और गाड़ी में गड़बड़ निकली तो मुझे गुस्सा आ जाएगा जायज है ना बरकत जी जी भाईजान क्या मेरा बच्चा नींद नहीं आ रही है क्या डैड मैं सोच रही थी कि पायलट इतने बुरे भी नहीं होते आफ्टर ऑल ओह रियली भाई ये तो कमाल की खबर सुनाई आपने हमें जो ओपिनियन आपका डैड जिंदगी भर नहीं बदल सका वो समीर ने कुछ ही दिनों में बदल डाली स्मार्ट बॉय कल ही बात करता हूँ मैं उससे मैं समीर की बात नहीं करी थी डैड मतलब उसका नाम सिद्धार्थ है डैड बहुत क्यूट है वो आपको अच्छा लगेगा भाई जब आपको इतना अच्छा लगता है तो हमें अच्छा ना लगा के मरना है क्या कॉल है लेकिन समीर से सब क्लियर है ना समीर इज जस्ट अ फ्रेंड डैड
इस एल्बम में उसकी हर गर्लफ्रेंड की साइन की हुई फोटोग्राफ एक ट्रॉफी की तरह सजी है। उसके लिए प्यार एक दिमागी बुखार है और कमिटमेंट एक घूंटा। तुमने प्यार किया होगा? श्योर। उसने क्या किया एक बार उसे पूछ जरूर लेना। अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं आप मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। काफी खूबसूरत तस्वीरें काफी संभाल कर रखी है आपने। सुरभि, एक्चुअली ये तुम गलत समझ रही हो। देखो, अब तक नहीं देख रही थी, अभी तो देखना शुरू किया। ये लो, रख लो, इसी के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे ना तुम। लगा लो अपने रिकॉर्ड में, बस मुझे मेरा नंबर बता दो। कम से कम ये तो पता लगे कि लिस्ट में मेरी जगह क्या है। ऐसा नहीं है सुरभि। कैसा नहीं है सिद्धार्थ साहब? क्या ये एल्बम आपकी नहीं है, या इसमें लगी तस्वीरें आपकी गर्लफ्रेंड्स की नहीं है, या फिर इतना बढ़िया प्यार का नाटक सिर्फ रिकॉर्ड में शामिल की जाने वाली मेरी एक तस्वीर के लिए नहीं था? कैसा नहीं है? हाँ, तुम जो देख रही हो वो सही है, लेकिन तुम जो समझ रही हो वो गलत है। आई लव यू यार। शट अप, मुझे शट अप। मैं दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। हेलो। हेलो सुरभि। सुरभि, 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 प्लीज लिसन टू मी यार। गो टू हेल। सुरभि लिसन टू मी। शिट, क्या करूं इसके लिए, कुछ समझ में नहीं आ। क्या हुआ? You know Vishu, I feel so lucky. जब भी तुम्हें देखती हूँ, सुनती हूँ, ऐसा लगता है कि मैंने जरूर कभी कुछ बहुत अच्छा किया होगा जो अब मुझे याद नहीं। एक विशाल मिलने के लिए एक नूपुर होना भी तो जरूरी है ना? जब से होश संभाला है तुम्हारे अलावा और कोई नजर नहीं आया मुझे, लेकिन आज भी तुम्हें देखते कर जी नहीं पड़ता। दाद, जाओ, तुम्हारी सॉटी का टाइम हो गया, वापस आकर जी भर कर देखते रहना। क्या हो रहा है? तुम एनिमी एयर स्पेस में जा रहे हो। टर्न बैक नाउ।
पाइपर वार्निंग, पाइपर वार्निंग, सिट मिसाइल तुम्हारे पे लॉक्ड है, डिच लेफ्ट, डिच लेफ्ट सिट। तुम्हारी वजह से हमने काबिल पायलट खो दिया। लगातार वार्निंग के बावजूद ऑफ कोर्स जाने की बेवकूफी। इट वॉज ओनली ब्लडी पायलट्स एरर। तुम्हारे जहाज में कोई खराबी नहीं थी। इट वॉज ओनली यू हु। तुम यंगस्टर्स इसे खेल समझते हो? इट्स नॉट ए गेम। इससे किसी की जान जा सकती और गई है। यू शुड बी शॉट। I'm sorry. You're grounded with immediate effect. That will be all. So, Siddharth? Siddharth? Yes, sir. AOC साहब का reaction शायद जरा सा ज्यादा strong था. दरअसल 4 साल पहले उनका बेटा ऐसे ही एक और pilot की गलती से crash कर गया था. He was a very promising young boy. He still hasn't gotten over it. मैं समझता हूं सर, लेकिन गलती तो मेरी थी और इसकी कीमत भी मैं ही चुकाऊंगा। तुम्हें लगता है कि ये प्यार है? सुरभि के लिए तुम्हारा प्यार? प्यार करना तो दूर, तुम तो उसके मायने भी समझ नहीं पाए अब तक। सिद्धार्थ से हारते हारते थक गया था। सुरभि को हार जाना बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। मैंने चाहता था और लड़कियों की तरह सुरभि को भी। लेकिन तुम कहीं ना कहीं जानते थे ना कि सिद्धार्थ जिंदगी में पहली बार प्यार करने लगा है, जानते थे ना? शायद सुरभि ने भी कभी नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करती है। उसका रिश्ता आया था मेरे लिए, इसलिए मैंने मनी मन सोच लिया कि प्यार कभी खुद कर्ज नहीं होता। समीर, तुमने प्यार का दावा करके इतना दुख दिया सुरभि को, सिद्धार्थ को भी अंदर ही अंदर तोड़ दिया तुमने। समीर, विशाल की मौत में कुछ हिस्सेदारी तो तुम्हारी भी है। जानता हूं, इसलिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा।
खुद को कोसने से गलतियां सुधरती नहीं, बढ़ती है। अब तुम अपनी गलतियां सुधारोगे या बढ़ाओगे, ये तुम्हारे ऊपर है। थैंक्स पारी, जब जब तुमसे दिल की बात करता हूं कुछ नया सीखने को मिलता है। थैंक्स, थैंक्स पारी। दिल की बात करते हो तो दिल की बात सुनाई क्यों नहीं देती? क्योंकि बहरा और अंधा है हिंदुस्तान, जो जंग की दस्तों को दरवाजे पर नकार देना चाहता है। ऐसे मुल्क को एक ही झटके में लूला और लंगड़ा बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। इंशाअल्लाह ताला कल मगरिब की नमाज तक हमारी जीत का जश्न शुरू हो चुका होगा। हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं भाईजान। कुर्बानियों की जिम्मेदारी हिंदुस्तानियों पर छोड़ दो, हमें सिर्फ जीतना है। इंशाअल्लाह मुकद्दस हजरत पल की कसम, या तो कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं रहेगा, यह कश्मीर ही नहीं रहेगा। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, लेकिन शायद पूरा सच बताने से कतरा गया था। वो जो एल्बम मैंने तुम्हें दी थी वो सिद्धार्थ की थी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड्स की नहीं, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड्स की। मैंने तुम्हें वो एल्बम तो दे दी, लेकिन ये नहीं बताया कि उस पर कितनी धूल जमी थी। वो अंदर ही अंदर टूटता जा रहा है। तुम्हें खोने के साथ साथ अपने आप को विशाल की मौत का जिम्मेदार भी मानने लगा है, और आज तुमसे ज्यादा उसे तुम्हारी जरूरत है। प्यार अगर सच्चा हो तो किसी भी चीज का मोहताज नहीं होता, भरोसे का भी नहीं। जय हिंद गार्डूम सर। मैं ग्रुप कैप्टन कारजू बोल रहा हूं, अब ये अवंतीपुर से एयर कमांडर श्रीकांत आने वाले हैं। एयर कमांडर श्रीकांत, मेरा अपॉइंटमेंट है। सब नॉर्मल है, जल्दी बम लगाओ, ताहिर वक्त कम है। एक कमोडो श्रीकांत, ग्रुप कैप्टन काजू का ऑफिस से फोन आया था। फतेह अफगानी का मिशन आज तक नाकामयाब नहीं हुआ है। व्हाट? ग्रुपी काजू? डैम, ग्रुपी काजू को तो कल रात फूड पॉइजनिंग हो गई थी, वो हॉस्पिटल में है। किधर गई गाड़ी? सर रडार इंस्टॉलेशन की तरफ। जल्दी जल्दी रहमत, 5 मिनट और है। बस हो गया भाईजान, ये रही गाड़ी, लेट्स मूव। यस सर। भारतीय वायुसेना, इंशाअल्लाह अब की बार हमें हरा नहीं पाएंगे। फायरिंग? आई थिंक रडार से। रडार? या ओह शिट, लेट्स गो। सिद्धार्थ, हाँ तुम यहाँ वेस्टर्स रूम में बैठो, हमारे आने तक कहीं मत जाना, ओके? ओह शिट, कम ऑन। सर मार लिया, अंदर टेररिस्ट है। गैस मास्क लगा, कैनिस्टर फेंको। ऑन सर, जहरीली गैस फेंक रहे हैं साले। इन यह हुआ।
होते अफगानी का अब तक कोई भी सिग्नल नहीं आया है। श्रीनगर बेस से उनके राडार ब्लास्ट होने की भी खबर नहीं है। हमारे प्लेन्स और ट्रूप्स दोनों स्टैंड बाय पर हैं। आप कहें तो स्टैंड डाउन करा दें जरा। बेवकूफी की बात जबान पर भी मत लाना कुरैशी। अगर फतेह कामयाब नहीं हुआ है तो हम आज रात की बजाय अभी इसी वक्त हमला बोल देंगे, रुकेंगे नहीं। एक विशेष सूचना, आज शाम 5:15 पर पाकिस्तानी जहाजों ने जंग का ऐलान करते हुए 11 भारतीय हवाई अड्डों पर हमला बोल दिया। At approximately 1700 hours today, Indian Standard Time, Pakistan's Air Force bombed 11 Indian air bases. Flying Officer Siddharth Singh reporting as ordered, sir. At ease. Sehgal. Sir, Siddharth, इस वक्त हमें एक एक पायलट की सख्त जरूरत है। इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए तुम्हारी ग्राउंडिंग रिवोक की जा रही है। तुम फौरन अपनी फ्लाइंग ड्यूटीज के लिए रिपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू सर। ये AOC का आइडिया था सिद्धार्थ। तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है और हमें उम्मीद है कि तुम अपनी गलतियां नहीं कामयाबियां दोहराओगे। जी हाँ सर, I won't let you down. एक बात याद रखना, यहां जमीन पर जिंदगी दूसरा मौका दे देती है, लेकिन वहां हवा में मौत चील की तरह लपक कर दबोच लेती है, दूसरा मौका नहीं देती। टेक केयर सन, गुड हंटिंग, डिसमिस। थैंक यू सर। जेंटलमैन, एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान ने उन्हीं दिनों हमला किया जबकि हमने सोचा था। वी आर रेडी, वी हैव टू हिट देम फास्ट, वी हैव टू हिट देम डीप एंड वी हैव टू हिट देम हार्ड। नाउ यहां 60 डिग्रीज वेस्ट पाकिस्तानियों ने एक फ्यूल और एम्यूनेशन डंप एस्टेब्लिश कर रखा है। हम वेस्ट से लो फ्लाई करते हुए आएंगे एंड बैंग।
फॉर्मेशन स्टेयर कोर्स 235.03 सेक्टर 7। दुश्मन का कोई भी जहाज आपके सेक्टर में नहीं है। ईगल लीडर टू कंट्रोल ऑन कोर्स टारगेट इन 3 मिनट्स। टारगेट इन विजुअल रेंज फायर एट विल। सैम रिप्लाई पर तुम्हारे पीछे। पापा वार्निंग। अमित अमित। हाँ। सबको हिम्मत रखनी होगी बेटा, इस तरह खुद को तोड़ लेने से क्या होगा। हाँ देख देख मुझे देख देख, मैं तो उसकी माँ हूं। मैं रो रही हूं क्या? नहीं ना, बाप ने यूनिफॉर्म उतारी और बेटे ने पहन ली। मैं जानती थी, तभी तो डरती भी थी, शायद लड़ती भी थी उससे, लेकिन कभी रोका नहीं, क्योंकि रोकने से तो वो रुकता ही नहीं ना। लेकिन अब मैं रो रही हूं क्या? नहीं ना, क्योंकि क्योंकि रोने से तो कोई वापस नहीं आता ना, चाहे कितने भी दर्द से पुकार लो, कोई वापस नहीं आता, कोई वापस नहीं आता। जिस नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती उसे सहने की सलाह किस तरह दूं? लेकिन आप लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप सब लोग ये क्यों मान रहे हैं कि सिद्धार्थ जिंदा नहीं रहा? अभी तक तो कोई पक्की खबर नहीं आई है, और मेरी इंस्टिंक्ट कहती है कि हम दोनों तो पायलट्स रह चुके हैं ना, और आप तो जानते हैं कि हम पायलट्स की एक सिक्स सेंस डेवलप हो जाती है। मेरा दिल कहता है कि मेरा बेटा वापस जरूर आएगा, वो जहां कहीं भी है, मेरा बेटा जिंदा है।
कढ़ाई से उतार के आग में डाल दिया ना। तुम भी यार पंगा लेने से बाज नहीं आते हो। टिड्डियों की तरफ फैले हुए 70 साले ज्यादा ऊंचा उड़ने वाले लोग जब गिरते हैं तो चोट भी ज्यादा लगती है, नहीं? उतारो, चल। वायलिन के तारों में जो सुर है वो किसी और साज में नहीं। लगता है श्रीनगर एयरबेस से उड़े थे आप। कौन सी स्क्वाड्रन है आपकी और फिलहाल कितने जहाज हैं आपके बेस पर? फ्लाइंग ऑफिसर सिद्धार्थ सिंह, सीरियल नंबर 3037-8699। स्क्वाड्रन का नाम और जहाजों की तादाद। फ्लाइंग ऑफिसर सिद्धार्थ सिंह, सीरियल नंबर 3037-8699। लगता है आपको मेरी जुबान समझ में नहीं आती। मेरा नाम फिरोज अली नियाजी है। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब आपको मुझसे मिलकर तकलीफ ना हो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सीधी सादी जुबान में पूछे गए सवालों के जवाब सीधी तरह से दे दें। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक आप किसी भी जिनेवा यहां से बहुत दूर है साहब, और यूं समझ लीजिए कि हमने आपका पासपोर्ट जब्त कर लिया है। मैं मर जाऊंगा मगर मुंह नहीं खोलूंगा क्योंकि मुझे हीरो बनने की बीमारी है। लगता है इनकी मेहमान नवाजी भी कूलर से शुरू होगी। मैंने खुद खड़े होकर बनवाए हैं ये कूलर। दो चार दिन इसमें रहने के बाद गजल गाने वाला कव्वाली सुनाने लगता है। म्यूजिक का शौक है आपको? नाइस, वेरी नाइस। खोलो। तू यहां भी आ गया मेरे पीछे पीछे। बेटा बड़े लोगों की एंट्री देर से होती है। एडवांस पार्टी आती है साफ सफाई करने के लिए, समझा?
कब से पड़ा सड़ रहा है इस जूते के डब्बे के अंदर? हाँ, कई घंटे हो गए, सालों ने घड़ी भी उतार दी। चल निकल बाहर, आजा। अरे चल बाहर, चल चल चल। आप लोगों को खाए पिए 2 दिन हो गए शायद। तीन। अच्छा नहीं हुआ, बैठिए आप लोग, आज इकट्ठा लंच करते हैं। अब तक आप लोगों को याद भी आ गया होगा कि आपका स्क्वाड्रन कौन सा है और आपके बेस पर कितने जहाज हैं। मेरा रसोईया खाना बहुत लजीज बनाता है, और जब भूख प्यास ज्यादा लगी हो तो खाने का नशा ही कुछ और होता है। क्यों चुपचाप? तमाशा बना रखा है, खाना खाओगे या मार खाओगे, तय कर लो। जो आपकी श्रद्धा हो, हम तो मेहमान हैं। हंसता है। तेरा इलाका है, तेरे लोग हैं, हंस ले। लेकिन एक बार हमारे हाथ में हथियार आ गया ना, तो बचे खुचे कश्मीर के साथ लाहौर भी दहेज में ले जाएंगे। बस थक गए? इससे ज्यादा एक्सरसाइज तो बॉक्सिंग के पहले राउंड में होती है। लगता है बचपन से मार खा खा के ढीठ हो चुके हैं। लेकिन इंसान को तोड़ने के जितने तरीके तुमने सुने नहीं होंगे, उससे ज्यादा इस्तेमाल करके मैं भूल चुका हूं। तुम बताओगे, क्योंकि मैंने पूछा है। इन्हें खाना दो, कपड़े दो, और 52 नंबर में बंद कर दो। पूछताछ जारी रहेगी। चल चल बे। लो आ गया 5 स्टार का खाना। मगर ये 3री थाली किसकी है? मेरी है। लेफ्टिनेंट शेखावत, 6 राजपूत। लेफ्टिनेंट शेखावत, 1971 की जंग तो खत्म हुई, लेकिन हम जैसे कुछ लोगों की जेल नहीं।
मैं और मेरे जैसे कई हैं जो पिछले 32 सालों से पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं। ओह माय गॉड, यानी आप? हाँ, मैं 71 वॉर में पकड़ा गया था, POW। सुना था मुझ जैसे 523 और हैं जिन्हें पाकिस्तान ने कभी छोड़ा ही नहीं। अब कितने बचे होंगे मालूम नहीं। खाना खाओ। लड़ाई जोरों से शुरू हो गई है। वहां बेस पर एक एक पायलट की जरूरत होगी और हम यहां पे बंद हैं। पता नहीं यार ईश्वर को क्या मंजूर है। यार देख, भगवान का नाम मत ले, मेरा आजकल उसके साथ पंगा चल रहा है। हद होती है यार। सैडे, मैं तुझसे ठीक से माफी भी नहीं मांग पाया। वो सुरभि का रिश्ता आया था मेरे लिए यार, मुझे अच्छी भी लगने लगी थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और छोड़ना यार, इट्स अ क्लोज चैप्टर। लेकिन अगर तुझे माफी मांगनी है ना, तो उस लड़की से मांग जो तुझे इतना चाहती है और तुझे दिखता भी नहीं। लड़की मुझे चाहती है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अंजना, यू डफर, उसे तेरे अलावा कोई नजर नहीं आता है और तू उसकी तरफ देखता भी नहीं। एंजी, वो लड़की थोड़ी ना यार, शी इज वन ऑफ द गाइस। अब लड़कियों के बारे में तू मुझे समझाना बंद कर, समझ रहा है? बुजुर्गों का कहा और आंवले का खाया देर से स्वाद देता है। हाँ, कितनी कंजूसी से अकल दी है इसको यार, इस्तेमाल तो कराया करो। हे हे, ओके, हाँ, आई बिलीव यू, लेकिन एनजी ने तुझे खुद कहा कि नहीं, लेकिन मैं तेरी तरह अंधा नहीं हूँ, समझ रहा है? ओके, लेकिन अब करे क्या? पता नहीं यहाँ पे कब तक सड़ना पड़ेगा। अब सड़ना है तुम्हें, तय करना है। 32 सालों में 17 बार भागने की कोशिश की है मैंने। एक बार तो अफगानिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच गया था। हर बार मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया गया पता नहीं। जेलें बदलती रहीं, कोशिशें चलती रहीं, हर बार एक हड्डी तोड़ के मुझे छोड़ दिया जाता था। आप कहना क्या चाहते हैं? रुक जा! भागता कहाँ है? रुक जा! रुक जा! जनाब, धोबी कपड़ों में सिगरेट के पैकेट छिपाकर लाया था इसके लिए। हमने उसको पकड़ लिया है। वो कहता है कि पैकेट्स इसके पास। जामा तलाशी। यह इस जेल का सबसे चलता पुर्जा है, मिस्टर फिक्सिट। किसी को कुछ भी चाहिए तो इसी के पास जाता है। नाम क्या है इसका? नाम? इसका नाम है इत्तेफाक। अगली बार सही। सलाम शेखावत साहब। जय माता दी। ट्रांजिस्टर के लिए बैटरियां चाहिए, नया स्टॉक आया है? नहीं, अभी चल रही है। इत्तेफाक फ्लाइंग ऑफिसर समीर सिद्धार्थ। ताज़ा ताज़ा तशरीफ लाए आप लोग हैं जनाब। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, सिगरेट, शराब, चरस, बंदे को याद कर लीजिएगा। इंटरेस्टिंग नाम है इत्तेफाक। अरे हुजूर, बंदा भी उतना ही दिलचस्प है, तभी तो नाम नहीं बदला। और रही दिलचस्पी की बात, मेरे माँ बाप को मेरी पैदाइश से कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। ता उम्र कहते रहे तू तो इत्तेफाक से पैदा हो गया बे, सो तभी से अपना नाम पड़ गया इत्तेफाक। फौजी नहीं लगते हो, पाकिस्तानी हो या? आ आ आ हुजूर, मैं जिस गांव से बिलोंग टू करता हूँ वो आधा बॉर्डर के इस पार पड़ता है और आधा उस पार। मैं न हिंदुस्तानी हूँ न पाकिस्तानी, सिर्फ चोर हूँ। खैर होती है मुलाकात, खुदा हाफिज। ओ ओ, मेरी अमानत मेरी झोली में डाल दीजिए। ओ हाँ,
चकावत साहब, यहां से निकलने की तैयारी में इत्तेफाक तुम्हारे बहुत काम आएगा। निकल जाओ यहां से, इससे पहले कि वहां तुम्हारे अपने उम्मीद के साथ साथ इंतजार भी छोड़ दें। यकीन ही नहीं होता ये सब इतनी आसानी से अचानक। मैं तो उसे ठीक तरह से जान भी नहीं पाई। वक्त से पहले वक्त छीन जाए तो उसकी कमी ज्यादा महसूस होती है। तुम कम से कम सिद्धार्थ का शोक तो मना सकती हो। मैं तो समीर से, समीर हाँ, मैं तो उसे ये भी नहीं कह पाई कि नूपुर की सफेद साड़ी का तय आज समझ में आ रहा है मुझे। विशाल शायद ठीक ही कहता था, जिंदगी बिखरते सपने और टूटती उम्मीदों की मजार के अलावा और कुछ नहीं। 103 नॉर्थ वेस्ट यहां से 200 नॉर्थ तक इस सारे एरिया में दुश्मन ने फोर्टिफिकेशन और बंकर्स बना रखे हैं। कोई एक बड़ा स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, हमें इस सारे एरिया को एक नाइट रेड में कारपेट बॉम्ब करना होगा। 2200 hours. एनी क्वेश्चंस? गुड, देन लेट्स बॉम्ब द हेल आउट ऑफ देम। कंपनी सर ज्यादा ही जोश में कारपेट बॉम्बिंग कर रही है। जो कसर पाकिस्तानियों ने छोड़ी लगता है अपने ही बम पूरी कर रही है। बाज आजा भगवान, मजाक की भी एक हद होती है। सीरियस पंगा हो जाएगा मैं बता रहा हूँ फिर। अबे यार तू अपने आप से क्या बड़बड़ाते रहता है? गेट्स ऑन टू माय नर्व्स यार। अपने आप से? जब दो समझदार लोग आपस में बात कर रहे हो तो बीच में टोकना नहीं चाहिए, समझ रहे? सॉरी बॉस। हे हे, कम ऑन, दिस इज टू मच, जस्ट कीप क्वाइट। चाहिला ऐसा पढ़ला ऐसा, ये बंदा ऐसे सोए जैसे ये फाइव स्टार होटल का कमरा हो और एक तू है जो पागलों की तरफ बड़बड़ाया जा रहा है। चाहिला कहाँ के फंस गया यार? यार यहाँ पे हम कभी भी मर सकते हैं और तू है कि ये सैम इधर आना। देख, इंसान इस तरह से तभी सो सकता है जब उसके दिमाग में नींद और मौत का फर्क खत्म हो जाए। मेरा बड़बड़ाना पागलपन ही सही, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारा नंबर नहीं आया है। हमें यहां से निकलना है किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर। यह है जेल के बाहर की दीवार। यहां, यहां, यहां और यहां चार वॉच टावर्स हैं जिन पे सर्च लाइट्स लगी हैं और 24 घंटे गार्ड्स तैनात रहते हैं। ये नियाजी का ऑफिस, ये जेल के सेल्स, इनमें से इस सेल में हम लोग हैं। पिछली जंग की बॉम्बिंग की वजह से सेल्स की दीवारें कमजोर हो गई थी। जल्दबाजी में बनी हुई दीवारें जगह जगह से अब भी कच्ची हैं और इनमें से एक दीवार ये है। अगर इस दीवार में सेंध लगाकर बाहर निकला जाए तो बाहर की दीवार की दूरी तकरीबन 40 फीट की है जिस पर सर्च लाइट की रोशनी नहीं पड़ती। रस्सी के जरिए इस पर चढ़ा जा सकता है और बाहर निकला जा सकता है, मगर इस सबके लिए हमें सेल की दीवार में सेंध लगानी होगी। और शुरुआत के लिए खुदा के नाम से अच्छा क्या होगा?
भागवत गीता? जनाब मैंने सुना है इसमें बिना रिजल्ट की टेंशन लिए चुपचाप काम करने की सलाह दी गई है। कुछ ऐसा ही है। तो कीजिए काम का बिस्मिल्ला, खोलिए उसे, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। सलाम बंदा परवर। धर्म और अधर्म के युद्ध में हमेशा भगवत गीता से बड़ा हथियार कोई नहीं। हिंदुस्तान की सरहदों को तुम्हारा इंतजार है। Yeah.
है। आओ। बोल दस। अच्छी तैयारी थी। नॉट बैड। बस एक चीज की तैयारी नहीं थी आप लोगों की, और वो ये कि हम बेवकूफ नहीं हैं। आपके इस बचकाने बचपने के एक एक लम्हे की खबर थी हमें। अगर मैं चाहता तो ये तमाशा शुरू होने से बहुत पहले रोक सकता था, लेकिन फिर मजा कैसे आता, रंगे हाथों कैसे पकड़े जाते आप लोग। अच्छा हुआ सब एक साथ जाल में आ गए। अदीस भाई, इनमें से दो आप ही की बिरादरी के हैं, पायलट्स, और तुम, मुझे समझ में नहीं आता कौन सी इंसानियत के तहत तुम्हें इतने सालों तक इस मुल्क की रोटियां तोड़ने दी गई। समझ में आएगा भी नहीं, इंसानियत की बात करता है। चल कागज पे लिख के दिखा इंसानियत। आता है लिखना? 56 साल से हिंदुस्तानी इंसानियत की जूठन पे तो पल रहा है तुम्हारा मुल्क, वरना दिल्ली से इस्लामाबाद तक तिरंगा ले जाने में 72 घंटे भी ना लगे। बात देख लिए तेवर, जेल से भागते हुए कैदियों को गोली मारने के बारे में तुम्हारी रूल बुक क्या कहती है, मिस्टर जनेवा कन्वेंशन? मैं मरने वालों से आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछा करता, ले जाओ इन हिंदुस्तानी और गोली मार। हिंदुस्तान ढेर होते हैं नियाजी। कमान कमान मूव 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 साड़ी कमान, लगता है कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। कमान कमान सिद्धार्थ मूव इट गाइट कमान मूव 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 कमान कमान कमान। लगता है
कोशिश कर साड़ी कमान Sam. Vishal. Sam. Said, Vishal. I can't believe them. Vishal, this is Lieutenant Shekhawat. Six Rajput. In 1971, they were in the jail of Pakistan. Sir, Vishal. We also ran from a jail. But I think they had a news from behind. That's why... We need to get out of here. Now, our back will start. And our back will also come back. जी गोलियों की आवाज सुन ली होगी राइट सर सिट एक मिनट सैम क्या वो इसके पीठ पर ट्रांसमीटर है जिससे हम बेस को कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं हे गाइस यहां से थोड़ी दूर है गुफा है जो मुझे किस्मत से मिली इतने दिन मैंने वहीं काटे हैं वहां पहुंचकर बेस को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं बॉर्डर दूर नहीं है इससे पहले कोई हम तक पहुंचे हमारे चॉपर समय उठा के ले जाएंगे राइट ओके देन लेट्स गो मूव चलिए सर कम हाइट पे इजेक्ट करने की वजह से लैंडिंग बहुत जोर से हुआ और दाएं पांव की हड्डी टूट गई इतने दिन घिसट घिसट के कैसे काटे हैं बता नहीं सकता अब तो कई हफ्तों से यही मेरा घर है
दो चार दिन पहले ही चलना फिरना शुरू किया। रात को खरगोश मारने की कोशिश कर रहा था कि उन पाकिस्तानियों को देखा, लगा कि कुछ अपने घिर गए हैं, मगर इतने अपने होंगे ये नहीं जानता था। नौकर कैसी है? हम अक्सर बहुत करीब होते हैं, सिर्फ मौन से बंधे, दूरियां उभरती हैं तब तब जब जब मैं शब्द खोजता हूं, शब्दों से वाक्य बनने की प्रक्रिया में तुम खोने लगते हो आवाजों के शोरगुल में, और बस, मैं बस बस नूपुर इनफ, क्यों लगातार अपने आप को तकलीफ दे रही हो? रोने से विशाल वापस तो नहीं आ जाएगा ना? लेकिन वो कहीं गया भी तो नहीं, वो जाता भी नहीं, दिखता है मुझे हर तरफ, एक एक कोने में, एक एक पन्ने पे। कविता मेरी आंखों पे लिखी थी, ये मेरी मुस्कुराहट पे लिखी थी, ये दर्द पे लिखी थी। मैं क्या देखू, मैं क्या करूं? विशाल मौत और कुछ नहीं, एक खामोश अंधेरा है। मैं उठकर बगल के कमरे में चला गया हूं, बस ओझल हूं आंखों से, दिल से नहीं। दिस इज फ्लाइंग ऑफिसर समीर केलकरियर, ओवर। हेलो, दिस इज थर्ड ग्रेनेडियर, ओवर। ग्रेनेडियर्स? ग्रेनेडियर वो तो ठीक फ्रंटलाइन पे है। बोल बोल। मैं फ्लाइंग ऑफिसर समीर केलकर बोल रहा हूँ, 51 स्क्वाड्रन मिग्स। हम पाकिस्तानी POW कैंप से भागकर बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे पास पाकिस्तानी एयरफोर्स मूवमेंट के बारे में बहुत जरूरी कागजात है। आर यू गेटिंग मी? ओवर। हाँ सर, लाउड एंड क्लियर, ओवर। मेरे साथ फ्लाइंग ऑफिसर सिद्धार्थ सिंह और हेलो 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 कैन यू हियर मी? ओवर। हेलो 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 शिट, बैटरी काउंट ऑफ, हम अपने कोऑर्डिनेट्स उन्हें नहीं बता पाए, हेलीकॉप्टर्स के लिए हमें ढूंढना नामुमकिन है, दुश्मन शिकारी कुत्तों की तरह हमारे पीछे पड़ा, हमें यहां से निकलना चाहिए। ये मस्ती, कम ऑन, कम, लेट्स गो, कम कम, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। कम मेजर, प्लीज बी सीटेड। ग्रेनेडियर्स की एक फॉरवर्ड पोस्ट ने एक ट्रांसमिशन इंटरसेप्ट किया है, जिससे लगता है कि फ्लाइंग ऑफिसर समीर केलकर और सिद्धार्थ सिंह एक पाकिस्तानी POW कैंप से एस्केप करके बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। यस, ग्रेट न्यूज, दे आर अलाइव, दैट वाज द गुड न्यूज। बुरी खबर यह है कि उनकी पोजीशन या कोऑर्डिनेट्स पता चलने से पहले ट्रांसमिशन बंद हो गया। मेजर भुल्लर और उनकी स्पेशल फोर्सेज की टुकड़ी इस इलाके की टोपोग्राफी से वाकिफ है, इस ऑपरेशन में वो हमारी मदद करेंगे। मेजर सर, प्लीज स्टार्ट। आपके पायलट्स ने पीर पंजाल रेंज के नॉर्थ वेस्ट में वहां कहीं इजेक्ट किया है। अगर हम ये मान लें कि जिस जेल से वो भागे हैं वो यहीं कहीं 200 किलोमीटर के दायरे में है, तो भी ये हजारों स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। हमने अपनी सब फॉरवर्ड पोस्ट को इस बारे में इंफॉर्मेशन भेज दी है ताकि वो सब चौकन्ने रहें। मैं जानता था, मुझे मालूम था कि सिद्धू जिंदा है, वो आएगा, जरूर वापस आएगा, और इसीलिए आज तक मैंने शोक नहीं मनाया। उन्हें ढूंढने के लिए आर्मी की मदद ली जा रही है सर, जो कुछ भी ह्यूमनली पॉसिबल है किया जाएगा।
तुम्हें कवरिंग फायर देता हूं, तू पीछे पोजीशन हो। सर आपको कुछ नहीं होगा, मेरा एक एक छोटा सा काम कर देना। इतने सालों में पता नहीं मेरे परिवार का क्या हुआ होगा, मेरी रेजिमेंट में जरूर जाना और इतना कहना कि जय राजपूत का लेफ्टिनेंट संग्राम सिंह शेखावत एक सिपाही की मौत मरा, उसने सारी गोलियां छाती पर खाई, पीठ पर नहीं। निकलो, एक को बचाने के चक्कर में तीनों मारे जाएंगे, वो लोग लगातार हमारे करीब आ रहे हैं। ओ शट अप, तुम दोनों मुझे उठा के नहीं ले जा सकते। विशाल, बी स्टुपिड, सवाल हमारी जान का नहीं है, हमारे पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इस चौक को खत्म कर सकते हैं। तुम मुझे अपनी बंदूक दे के जाओ, मैं नहीं रोकता हूं। तुम दोनों जाओ यहां से यार। नो वे, हम तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, हम तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे।
मौत कोई हादसा नहीं, एक पड़ाव है, इंतजार है बस अगले सफर का, बहुत करीब आगे ही किसी मोड़ पर सब ठीक है।
जिस्म होते हैं पैदा, जिस्म फना होते हैं, एक कड़ी टूटती है, दूसरी जुड़ जाती है, चुपचाप दबे पांव, सिर्फ सीना बदल लेती है धड़कन, टूटती सांसों और बदलती शक्लों के बीच सिर्फ एक आत्मा का फासला है, एक आत्मा जिसे तलवार काट नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, जो अजर है, अमर है, शाश्वत है। कोई जाति नहीं, कोई भाषा नहीं, देश को सबसे ऊपर ये माने, ना ये हिंदू है ना ये मुसलमान है, खुद को भारत की संतान जाने, यही जननी है, यही माता है, देश ही इनका बस विधाता है, देश पे मरना जिसको आता है, भाग्यशाली वो कहला।